जहां भाजपा समर्थकों और जनता को लेकर बड़ी बड़ी बातें करती रहती है, वहीं चुनाव शुरू होते ही उन सबका मानो अकाल पड़ गया हो। भाजपा इस समय लोगों को रिझाने में काफी ज्यादा मेहनत कर रही है, नई योजनाएं ला रही है तो कई बड़े बड़े वादे कर रही है, परंतु इस चुनावी दौर में जनता को यह समझ आ गया है कि जो काम 5 सालों में नहीं हुआ वह आगे भी नहीं हो सकता। इस वजह से जनता बीजेपी के भाषणों में भी नहीं जाती है। बीजेपी सांसदों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में जनता की संख्या कम होने लगी है, जिसके चलते बीजेपी के सर पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। सांसद तो सांसद, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रमों में भी जनता ने जाना बंद कर दिया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को चुनाव प्रचार के सिलसिले में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में थे। एक अंग्रेजी अखबार में छपी खबर के मुताबिक स्थानीय बीजेपी नेताओं का एक धड़ा योगी के भाषण से नाराज दिखा। दरअसल योगी ने अपने भाषण में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी पर तो निशाना साधा, लेकिन बहरामपुर से कांग्रेस प्रत्याशी अधीर चौधरी पर कोई जुबानी हमला नहीं किया। द टेलीग्राफ खबर के मुताबिक बहरामपुर के यूनियन क्लब ग्राउंड पर करीब 1000 लोगों की भीड़ थी। यहां चुनावी रैली को संबोधित कर रही योगी ने अपने निशाने पर राहुल गांधी और ममता बनर्जी को लिया। अपने 25 मिनट के भाषण में योगी ने सिर्फ एक बार अधीर चौधरी का जिक्र किया। यह माना जाता है कि कभी गोरखपुर के सांसद रही योगी और चौधरी के बीच लोकसभा चुनाव में साथ रहने के वक्त अच्छे रिश्ते थे। शायद यही वजह है कि योगी के भाषणों में उनका जिक्र कम हुआ। योगी के भाषण में 1000 से कम संख्या में आए लोगों के कारण यह बात साफ होती है कि अब बीजेपी का समय समाप्त होने वाला है। कुछ ही समय पहले एक महिला बीजेपी सांसद के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में लोगों की भीड़ नहीं थी, जिसकी वजह से महिला सांसद रो पड़ी थी। जनसत्ता रिपोर्ट के मुताबिक जिले के कई बीजेपी नेता बेहद नाराज नजर आए। उन्हें उम्मीद थी कि योगी बहरामपुर के इस ताकतवर प्रत्याशी पर भी सियासी हमला करेंगे। जिला स्तर के एक बीजेपी नेता ने कहा, उन्होंने राहुल और ममता पर बेहद तीखा हमला बार बार किया, यह बढ़िया है। हालांकि यहां लड़ाई अधीर और उनके लोगों से पूरे जिले में है, योगी जी की वजह से निराशा हुई। आपको बता दें कि यहां बीजेपी ने साधु से राजनेता बने कृष्ण जुवारदार आर्या को अधीर के खिलाफ मैदान में उतारा है। आर्या बंगाल बीजेपी प्रमुख दिलीप घोष के परिवार से जुड़े पंडित रहे हैं। ममता यहां बार बार आरोप लगाती रही है कि चौधरी को आरएसएस का समर्थन है। तृणमूल नेताओं का मानना है कि योगी ने ममता के आरोपों को एक बार फिर सही साबित कर दिया है। हालांकि चौधरी ने कहा कि वह इन आरोपों को प्रतिक्रिया देने के लायक भी नहीं समझते हैं। देखा जाए तो अब भीड़ को जुटाना बीजेपी वालों के लिए मुश्किलों का काम बनता जा रहा है। चुनाव में हार के डर से बीजेपी कई वादे करने लगी है, परंतु भोली भाली जनता को फंसाना अब इतना आसान नहीं है। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें, ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।